मैं हूं सानिया इद्रिसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नासिक के इगतपुरी तालुका में वन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। तस्करों से तेंदुए की खाल, नाखून और अन्य अंग को बरामद किया गया। हाल ही में तस्करों ने नासिक जंगल में एक तेंदुए का शिकार किया था। तस्करों की गैर कानूनी तरीके से शिकार और उनकी खाल बेचना, ये सारी चीजों का जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता लगा तो उन तस्करों को तुरंत धर दबोचा। सुनिए इस पूरे मामले में वन विभाग वालों ने क्या जानकारी दी है। इन्होंने चार आरोपियों को पकड़ा है, एक लेपर्ड स्किन के साथ अम्बोली घाट में, जो कि त्रिंबक तालुका के अंदर आता है। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि लेपर्ड जो है बिबट शेड्यूल एक, अनुसूची एक का प्राणी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। इसका मिनिमम जो है पनिशमेंट 3 साल का है और मैक्सिमम 7 साल तक सजा हो सकती है इसके ऊपर। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, चारों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, अभी उनसे पूछताछ की कार्रवाई शुरू है। हो सकता है इसके इंटरनेशनल लिंक्स भी निकल सकते हैं, डोमेस्टिक लिंक्स भी निकल सकते हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही समझ में आएगा। हम इनका डेटा और जो स्किन पकड़ी है उसकी इन्वेस्टिगेशन लैब में जाँच कराएंगे और उसके बाद ही हम पूछ के पाएंगे। सर, ये आरोपी कहाँ के, जो चारों जन पकड़े गए? ये आरोपी जो है पालघर जिले से ताल्लुक रखते हैं। अभी इनका वेयर अबाउट्स क्लियरली अभी पता नहीं लगा है, लेकिन जो जवाब लिया है उसे समझ में आ रहा है कि ये पालघर जिले से। सर, इनको न्यायालय में हाजिर किया गया था और कस्टडी? अभी कस्टडी में रखा हुआ है, कल सुबह उनको न्यायालय में हाजिर किया जाएगा।